फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस इनपुट आउटपुट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, जो कि आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है, आरबीआई ग्रेड बी आ चुका है, ठीक है। फिर आरबीआई असिस्टेंट आ सकता है और आरआरबी पीओ क्लर्क, एंड देन आप बैक टू बैक एग्ज़ाम है। सो अभी से प्रिपेयर कीजिए आप। ये आईबीपीएस पीओ मेंस का मैंने लिया है, ऑली बोर्ड का, ठीक है। सो मॉक टेस्ट से लिए मैंने ये क्वेश्चन। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एचपी कोऑपरेटिव बैंक का, जिन्होंने भी भरा है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए पीओ मेंस की क्लास ही कंडक्ट करवाऊँ, क्योंकि अभी मेंस के लिए साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए टाइम ही नहीं बचता, ठीक है। इसीलिए आप अभी से रेगुलर अपनी स्टडी प्री के लिए मॉक देते रहिए, और मेंस के लिए आप यूट्यूब की वीडियोस और मॉक से अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप वीक में 2 मेंस के मॉक भी देते हो तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। क्योंकि एक मेंस के मॉक को एनालाइज़ करने के लिए कम से कम 3 दिन का टाइम तो ज़रूर रखो, ताकि आप अच्छे से एनालाइज़ कर पाओ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो, ओके। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, ये इनपुट आउटपुट की मशीन इनपुट दिया हुआ है हमें, मशीन इनपुट AH LK FX MT VO NR, फिर स्टेप 1 में GN QM। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको पहले प्लेस वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। जैसे A1 पे H8 पे L12 पे K11 F6 पे, और X कितने पे होता है, 24, M13 पे होता है, T20 V22 और O15 और N14 पे, R18 पे। और देखो यहाँ पे G का 7 होता है, N का 14, Q17, M13 और J10 पे होता है, U21 पे। तो क्या किया है इन्होंने, फर्स्ट बॉक्स को फोर्थ के साथ बताया, मतलब रिलेशन, फिर तब GN आए, फिर सेकंड बॉक्स का फिफ्थ बॉक्स के साथ बताया, फिर थर्ड का सिक्स्थ के साथ बताया। तो देखो AH और MT ये 2 बॉक्स हैं, तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि ये G कैसे आया। पहले तो आपके माइंड में आएगा कि H से 1 माइनस किया G आ गया, M से 1 प्लस किया तो N आ गया। देखते हैं क्या आगे भी यही पैटर्न है। अगर L और LK और MT बॉक्स का देखो अब रिलेशन, नहीं LK और VO का, तो आपको दिखेगा के से यहाँ पे तो है नहीं कि L के बाद M है, और उसके बाद क्यू कहाँ से आया, मतलब V और O से, ठीक है। तो ये पैटर्न ही फॉलो करेगा। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए। इसमें ना ऑब्ज़र्व आप जितने अच्छे से करोगे, आपके लॉजिक जितने अच्छे क्लियर होंगे, तभी आप ये क्वेश्चन करना, नहीं तो आप इसे सबसे एंड के लिए छोड़ना, क्योंकि कई बार होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उनको कीजिए, जो नए पैटर्न के हैं उनको बाद में कीजिए, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि न्यू पैटर्न के इजी आ जाते हैं, ठीक है। सो वो आपके डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो क्या किया है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखो मतलब जी और एन है ना, तो कैसे आया, क्या किया इन्होंने, देखो ए और 13 प्लस 1 कितना होता है, 14। इन्होंने ना फर्स्ट लेटर को ऐड कर दिया, 13 प्लस 1 14 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया, मतलब जी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड को सेकंड लेटर से एच और टी, एच 8 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो 20 प्लस 8 28 डिवाइडेड बाई 2 14, तो 14 पे एन आ गया। तो इसी तरह से फिर आपको सेकेंड और इनका करना है, एल और वी का एडिशन, तो 12 और 22 कितना हुआ, 2 2 4 मतलब 34 का हाफ 17 पे क्यू आ गया। फिर वैसे ही के और ओ का, के 11 पे होता है, ओ 15, तो 26 आ गया, 26 का हाफ कितना है, 13 पे एम आ गया। उसी तरह से फिर एफ एक्स और एन आर का, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टेप 1, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट लेटर से ऐड के देन डिवाइडेड बाई 2, और सेकेंड लेटर को सेकेंड लेटर से ऐड किए एंड देन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब स्टेप 2 में देखिए, अब स्टेप 2 में क्या किया इन्होंने, स्टेप 2 में आया आपका 34, मतलब 34 और 48। अब ये कैसे आया,
देखो यहाँ पे तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके तो कुछ आ नहीं रहा, मतलब कुछ लॉजिक देखना पड़ेगा कि आपको स्क्वायर है या क्यूब है, कुछ ऐसा भी क्या होता है। तो इन दोनों बॉक्स से देखो आप आ रहा है कुछ, जी 7 है, 14 और 7 का अगर हम एडिशन कर दें तो 21 नहीं ही। तो क्या किया है इन्होंने, देखो अगर हम ध्यान से देखें 34 कैसे आया यहाँ पे, तो फर्स्ट फर्स्ट लेटर को इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। जी 7 पे होता है क्यू 17, तो और जे 10 पे, तो 10 और 7 17, 17 17 34। वैसे फिर सेकेंड लेटर जो है तीनों के वो ऐड कर दिए, तो एन 14 पे, एम 13 प्लेस वैल्यू होती है, और यू 21, 4 3 7 और 1 8, 2 3 4 48, ये आ गया, ठीक है। बस इसमें मेन है फ्रेंड्स, दो ही स्टेप होते हैं मेन आपके। अगर आपका फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फर्स्ट अगर आपने निकाल दिया उसके बाद आपको इजी हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड और फोर्थ बहुत इजी होते हैं। देखो 34 है, 48 है, क्या किया है, सीधा सम किया है इन्होंने, 4 और 3 7 आ गया, 8 4 12 आ गया। स्टेप फोर में क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 माइनस 7 5, ठीक है। सो इसी तरह से ये आपका नीचे इनपुट दिया हुआ है, बी जे वाई एस एल डब्ल्यू डी एन आई एम पी सी। सो आपको ये बताना है कि इसका, अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया तो उसी पैटर्न पे आपको ये वाला बनाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अगर आपका डन हो जाए तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फाइनल आउटपुट आपका क्या आया, तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी और डी में से, ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया इसका, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इन स्टेप टू में, जितने भी जो आपके वो है उसमें आपको सम बताना है, ठीक है। ये तो देखो दो ही क्वेश्चन थे इसके ना, लेकिन पूछा अच्छे लेवल का था, ठीक है। तो अगर हो सकते पेपर में आपको 3 से 4 मार्क्स का भी आ जाए या 3 मार्क्स का भी आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़रूर एग्जाम में बनेंगे। सो बाकी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप पूछ सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।